Assalamu alaikum class. My name is Mohammed Arbash and I am your physics teacher. तो बेटा सबसे पहले आपको कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपके कोर्स का इंट्रोडक्शन दे दूं. और आपका कोर्स जो है बेसिकली आपको पता है कि लास्ट ईयर की अपडेट के बाद आपका कोर्स दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया है. तो इसमें आप लोगों के क्लास 9 के अंदर फर्स्ट 10 चैप्टर्स होंगे और क्लास मैट्रिक के अंदर आपके रिमेनिंग 9 चैप्टर्स होंगे यानी 11 टिल 19. टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो आपके फिजिक्स की बुक में मौजूद हैं वो है आपके 19 चैप्टर्स. तो बेटा अपने पहले लेक्चर की तरफ हम जाते हैं और ये आपका जो पहला चैप्टर है आपका वो एज यूजुअल जिस तरह केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन होता है तो वैसे ही जो है वो फिजिक्स के अंदर भी आपका पहला जो चैप्टर नंबर 1 है वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स. अच्छा, इस चैप्टर के अंदर जो आपके मेजर टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं. द फर्स्ट वन इज फिजिक्स एंड इट्स ब्रांचेस, सेकंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, थर्ड रोल ऑफ फिजिक्स इन आवर सोसाइटी, एरर एंड इट्स टाइप्स, साइंटिफिक अप्रोच इन फिजिक्स. तो ये आपके टोटल 5 मेजर टॉपिक्स हैं और इसी से रिलेट जो है वो आपके इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं. तो हम अपने लेक्चर नंबर 1 की तरफ जाते हैं और इसमें जो आप कवर करेंगे पहला टॉपिक वो है आपका फिजिक्स एंड इट्स ब्रांचेस. सबसे पहले तो फिजिक्स है क्या, फिजिक्स की डेफिनेशन. ये फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑफर्स द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी अलॉन्ग विद द इंट्रैक्शन बिटवीन देम. बेटा देखिए, सबसे पहले हम फिजिक्स में पढ़ते क्या है कि किसी भी मैटर, जैसे मैटर की डेफिनेशन आप लोगों को आई होप पता होगी कि एनीथिंग व्हिच हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज जो वेट रहे, जिसका जो जगह घेरती है, जो वेट रखती है, वो आपके पास मैटर है. तो मैटर और एनर्जी के दरमियान में आपस में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को पढ़ने का नाम जो है वो क्या है, फिजिक्स. कि एक मैटर अगर यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, तो उसमें से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी कार एक मैटर है और उसमें आप अपना फ्यूल डालते हैं और फ्यूल जो है वो बेसिकली उस कार के लिए उसकी एनर्जी है. सही है, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, जो भी आप कार को सप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से वो कार मूव हो रही है. अब जो एनर्जी आपने उस कार को सप्लाई करी है, उसके और मैटर के दरमियान में उस एनर्जी का उस कार के साथ क्या लिंक है, किस तरीके से उसकी वजह से वो कार मूव हो रही है, ये सब जो है वो पढ़ने का नाम फिजिक्स है. तो इन शॉर्ट, किसी भी तरह का मैटर हो तो मैटर और एनर्जी में इंटरकनेक्शन क्या है. अब अगर फिजिक्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई हो तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और वो है आपके पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. तो फिजिक्स की बेटा बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसमें से चंद एक मेजर ब्रांचेस हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. तो सबसे पहली ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स. It is a branch of physics which deals with the development of electron, emitting the devices and utilization and controlling of electrons flow in electrical circuit designed for various purposes. देखें basically इसमें क्या है कि इस device के अंदर electronics physics की एक काफी important branch है और आगे की classes में जब आप थोड़ी higher level study करते हैं तो वहाँ पर electronics को बहुत deep में पढ़ाया जाता है, यहाँ पर तो just definition है. तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिटिंग डिवाइसेस. लेकिन बेसिकली जब किसी भी डिवाइस में करंट पास होता है, करंट फ्लो होता है, तो वो डिवाइस वर्क करती है. फॉर एग्जांपल मोबाइल है, मोबाइल को आप चार्ज करते हैं, उसमें करंट को स्टोर करते हैं, चार्जेस को स्टोर करते हैं, फिर आपका मोबाइल वर्क करता है. जब उसके चार्जेस ख़त्म हो जाते हैं तो मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है, मोबाइल आपका ऑफ हो जाता है. तो बेसिकली ये जो चार्जेस होते हैं ये कंपोज किससे होते हैं, तो ये कंपोज होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से. एक एंड से दूसरे एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, इनका आपस में फ्लो होता है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई भी डिवाइस जो है वो रन करती है. तो जितने भी चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से कंपोज होकर ही बनते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ते क्या है कि किसी भी डिवाइस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरीके से हो रहा है और कोई भी डिवाइस जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन अपने वर्क करने के लिए यूटिलाइज कर रही है. कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स की यूटिलाइजेशन यानी इलेक्ट्रॉन्स की नीड जो होती है वो कम होती है. फॉर एग्जांपल जो लाइट डिवाइसेस होती हैं, जैसे लाइक का मोबाइल, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत नहीं होती चार्ज होने के लिए,
लैपटॉप मॉडरेट करंट मांगता है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, और कुछ डिवाइसेस आपकी जिस बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की, जस्ट लाइक आपकी आयरन इस्त्री हो गई, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज हो गया, टेलीविजन हो गया, ठीक है, बड़ी हैवी एलसीडीज हो गई जो साइज में काफी बड़ी होती हैं, तो वहां पर उनको इलेक्ट्रॉन्स की कंजप्शन ज्यादा होती है। तो इसी में हम डिवाइसेस के हिसाब से देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की किस डिवाइस पर कितनी कंजप्शन है, और उसी हिसाब से हम उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा कि हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपकी डिवाइस में ज्यादा हो रहा है तो लाजमी बात है कि आपकी डिवाइस जल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ने का नाम जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है। सेकेंड टॉपिक पर आते हैं, तो वो है आपका जो सेकेंड ब्रांच है, वो है आपकी काइनेमेटिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस टू एनी ऑपोजिंग और एक्सटर्नल फोर्स। देखिए काइनेमेटिक में हम क्या पढ़ते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट क्या है, ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कौन कौन सी जो है वो फोर्सेस अप्लाई हो रही है, उसके मूवमेंट की वजह बन रही है, कौन कौन से फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की वजह बन रही है, ठीक है। जैसे जस्ट लाइक आपको पता है कि जमीन जो है वो सूरज के गिर्द मूव करती है, ठीक है, सूरज अपनी जगह पर कांस्टेंट है, जमीन जो है वो उसकी जगह, उसके सराउंड जो है वो मूव करती है। अब जमीन को यानी कि अर्थ को सूरज के उस पर्टिकुलर एक्सिस में मूव होने के लिए कौन सी फोर्स लग रही है, जमीन अपने उस एक्सिस से बाहर क्यों नहीं निकलती कि मूव होते होते वो अपने उस सर्कल से बाहर निकल आए, 1 इंच भी आगे पीछे नहीं होती, तो वो क्या है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि जमीन और सूरज दोनों की कंबाइन होकर इस तरीके से इफेक्ट जनरेट करती है कि अर्थ की मूवमेंट अपने फिक्स एक्सिस पर होती है। तो इसी तरह सिर्फ अर्थ ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी मूवमेंट की वजह से कौन कौन सी एक्सटर्नल फोर्सेस उसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं जो उसको उस ऑर्बिट पर मूव करवाई है, वो चीज पढ़ने का नाम हमारा काइनेमेटिक्स। थर्ड टॉपिक की तरफ, और वो है आपकी थर्ड ब्रांच ऑप्टिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। देखिए बेटा ये फिजिक्स की काफी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, और इसमें हम क्या लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट की स्पीड क्या है, वो किन लॉस के ऑपे हो रही है, ठीक है, इसके अलावा वो ट्रेवल किस तरीके से कर रही है, उसका रिफ्लेक्शन एंगल कितना है, रिफ्रैक्शन एंगल कितना है, वो आप आहिस्ता आहिस्ता जब फर्दर स्टडी करेंगे आपको पता लगता रहेगा। तो लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आजकल की एरा में तो और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे अगर लाइट की प्रॉपर्टीज पता होंगी तो आप अपने कैमरास को अपग्रेड करते हैं। ये जो कैमरे के इन्वेंशन है जो आपकी पिक्चर खींच कर अपने पास कैप्चर कर लेता है, वो बेसिकली लाइट के रूल्स के हिसाब से ही फॉलो, राइट, लाइट के रूल्स को ही फॉलो करता है, लॉस को ही फॉलो करता है, और वो आप पिक्चर आपके पास आपके मोबाइल में स्टोर हो जाती है। तो ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट को सारा स्टडी करने का नाम ऑप्टिक्स है। फोर्थ ब्रांच है आपकी, वो है डायनामिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कॉजेज ऑफ मोशन एंड देयर इफेक्ट। के देखिए काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स काफी आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती ब्रांचेस हैं, और काफी इनमें रिजेम्बलेंस है। और डायनामिक्स में क्या है कि डायनामिक्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो हम उसके कॉजेस ऑफ मोशन स्टडी करते हैं, ठीक है, और उसकी मूवमेंट से क्या इफेक्ट जनरेट हो रहा है किसी भी चीज के ऊपर वो स्टडी करते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल हम बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जो डेली यूज में है, कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ फैन, फैन है, पंखा चल रहा है आपका, ठीक है, अब ये मोशन में आएगा आपका, रोटेटरी मोशन है क्योंकि फैन मूव कर रहा है सर्कुलर 360 डिग्री के ऊपर। अब उसके जो ब्लेड मूव कर रहे हैं तो उसके ब्लेड्स के मूव करने की वजह से उसके ऊपर क्या इफेक्ट जनरेट हो रहा है, उसका रिजल्ट में इफेक्ट क्या जनरेट होता है कि हमें हवा आती है, ठीक है, उसके ब्लेड मूव करते हैं तेज स्पीड में मूव करते हैं जिसकी वजह से जो है वो हमें हवा फील होती है, ठीक है, टेम्परेचर कमरे का ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, और हमें जो है वो हवा आती है। तो ये चीज क्या है, ऑब्जेक्ट के मोशन और उसका इफेक्ट, ठीक है, कि उसके मोशन से क्या इफेक्ट जनरेट हो रहा है, तो ये स्टडी करने का नाम जो है वो आपकी डायनामिक्स है। इसी तरह अर्थ मूव कर रही है, अब अर्थ के मूव करने से क्या इफेक्ट जनरेट होते हैं, आपको बताए कि अर्थ के मूव करने से सबसे पहले तो आपके डे एंड नाइट चेंज होते हैं, सही है,
रोटेशन जब उसके होती है तो डे एंड नाइट चेंज होते हैं, जब उसकी रेवोल्यूशन होती है तो उसके सीजन चेंज होते हैं, ठीक है, समर विंटर ऑटम स्प्रिंग। तो उसकी मूवमेंट क्या चीजें जनरेट कर रही है, टाइम में चेंजेस लेकर आ रही है अर्थ की मूवमेंट। तो ये चीज जो है वो डायनेमिक्स है, ये चीज सारी चीजें पढ़ने का नाम डायनेमिक्स है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट क्या इफेक्ट जनरेट कर रही है। फिफ्थ ब्रांच आपकी आती है एटॉमिक फिजिक्स। अच्छा, एटॉमिक फिजिक्स फिजिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखें, इसमें हम एटम की प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। किसी भी एटम में आपको पता है, क्योंकि आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है, कि किसी भी एटम के अंदर तीन किस्म के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो फिजिक्स में हम उन्हीं पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं कि उन पार्टिकल्स का एटम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन फिजिकली। क्योंकि देखिए बेटा, केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, फिजिकल और केमिकल का। कि केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि जो उसके एटम के तीनों पार्टिकल्स हैं वो उसके केमिकली क्या रिएक्शन दे रहे हैं, केमिकली क्या इफेक्ट हो रहा है, किस तरह के केमिकल्स फॉर्म हो रहे हैं। और फिजिक्स में हम उनका फिजिकली पढ़ते हैं। फिजिकली पढ़ने का मतलब है आउटर स्ट्रक्चर, नॉट इनर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम किसी भी एटम के आउटर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसके तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपका सारा एटॉमिक फिजिक्स आ गया। मैकेनिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मोशन ऑफ पार्टिकल्स और बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ गिवन फोर्स। देखिए, मैकेनिक्स जो है मुख्तलिफ जगहों पर आपको मैकेनिक्स जो है वो काइनामेटिक्स और डायनामिक्स के बाद ही उसकी डेफिनेशन नजर आएगी, अगर मुख्तलिफ नोट्स में देखेंगे। उसकी वजह यह है कि जो आपको काइनामेटिक्स और डायनामिक्स पढ़ाए थे, कि काइनामेटिक में था कि एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है तो उस पर कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, और डायनेमिक्स था आपका कि एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके मूव होने से क्या इफेक्ट जनरेट हो रहा है। तो मैकेनिक्स जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कि सबसे पहले हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को देखते हैं कि उसकी मूवमेंट के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और कौन कौन सी फोर्सेस उसकी मूवमेंट की वजह बन रही हैं। और दूसरा, सेकंड नंबर पर हम ये देखते हैं कि वो जो मूवमेंट हो रही है उस ऑब्जेक्ट की, उस मूवमेंट का क्या इफेक्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। उस मूवमेंट की वजह से आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर किस किस्म की चेंजेस जनरेट हो रही हैं, इन दोनों को कंबाइन स्टडी करने का नाम जो है वो मैकेनिक्स है। तो आप इसमें इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि मैकेनिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनामेटिक्स, मैकेनिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनामेटिक्स एंड डायनामिक्स। कि काइनामेटिक्स और डायनामिक्स दोनों ब्रांचेस को अगर आपस में मिला दिया जाए तो इनसे जो तीसरी ब्रांच जनरेट होती है वो आपके पास मैकेनिक्स होती है। तो हम किसी भी पार्टिकल्स की मूवमेंट के बारे में इसमें पढ़ेंगे और मूवमेंट किन फोर्सेस की वजह से हो रही है उसको स्टडी करेंगे। अब आपके पास लास्ट ब्रांच जो है फिजिक्स की वो है आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। देखें, क्योंकि आप लोग केमिस्ट्री का लेक्चर मुझसे ले चुके हैं क्लास में फिजिकली, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एटम के तीन पार्ट्स होते हैं, बेसिकली दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में होते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि उसके आउटर शेल में मूव कर रहे होते हैं, और एक उसका सेंटर पार्ट होता है जो कि कहलाता है न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, सॉरी न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम उसके स्पेसिफिक न्यूक्लियस को टारगेट करते हैं कि एक एटम जो है उसके न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं, जो कि हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो उन पार्टिकल्स का एटम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। उसमें जो है आपके उस न्यूक्लियस के एक अलग ही इफेक्ट्स होते हैं, वो आपके रेडिएशन में काम आता है, जब वो न्यूक्लियस बस्ट होता है उसमें से रेडिएशन।
सॉरी थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई थी सिग्नल्स की वजह से। तो किसी भी न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आप अपने जो है वो एटम के स्ट्रक्चर और उसके जो है वो नेचर को स्टडी कर किसी भी एटम के स्ट्रक्चर के अलावा स्पेसिफिकली उसके न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। तो बेटा ये आपकी मेजर ब्रांचेस थी। इसके अलावा आपको शायद कुछ नोट्स के अंदर एक और ब्रांच मिलेगी और वो होगी बायोफिजिक्स। तो मैं बायोफिजिक्स के बारे में आपको वर्बली थोड़ा सा बता दूं, उससे कंफ्यूज मत होइएगा बायोफिजिक्स से, कि बायोफिजिक्स बेसिकली क्या है कि फिजिक्स का बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशन कर रहा है, यानी मेडिकल की फील्ड से रिलेट इसकी ये ब्रांच है। फॉर एग्जांपल बेटा कि आप लोगों ने मुख्तलिफ मेडिकल प्रोसेसेस के नाम सुने होंगे, रेडिएशन हो गए, सीटी स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गए, तो ये बेसिकली क्या है, ये खालिस मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज है। लेकिन क्योंकि ये जितनी भी मशीन्स होती हैं, सीटी स्कैन मशीन हो गई, ठीक है, एमआरआई स्कैन मशीन हो गई, अल्ट्रासाउंड हो गए, एक्सरे हो गए, तो अब ये सारी मशीन बेसिकली लॉज ऑफ फिजिक्स पर ही काम कर रही होती है। ये जो मशीन जिस तरीके से वर्क कर रही हैं, किस तरीके से उनमें काम हो रहा है, ये सारा जो है वो फिजिक्स के हिसाब से ही, फिजिक्स के लॉज से ही काम होता है। और ये काम हो किस लिए रहा है, डायरेक्टली मेडिकल की फील्ड के लिए। तो लिहाजा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कि फिजिक्स का असर बायोलॉजी पर यानी मेडिकल की फील्ड पर किस तरीके से पढ़ रहा है, ये सारा पढ़ने का नाम जो है वो आपकी लास्ट ब्रांच बायोफिजिक्स, ठीक है। तो बायोफिजिक्स में हम मेडिकल और फिजिक्स का आपस में एक दूसरे से रिलेशन करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्रांचेस समझ आ गई होंगी। इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और इट विल बी बेटर कि अगर आप ये लेक्चर अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। तो लिहाजा इससे फायदा ये होगा कि जब हमारी फिजिकल क्लासेस होंगी तो आपको एक साथ बहुत सारा काम नहीं करना पड़ेगा, बर्डनाइज नहीं होना पड़ेगा। तो लेक्चर वन का एंड यहीं पर ही करते हैं और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट और रोल ऑफ फिजिक्स इन आवर सोसाइटी पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।